इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए की सालाना आय की अधिकतम सीमा को खत्म कर दिया है। केंद्र के इस फैसले से अंतर जातीय विवाह करने वाले सभी आय वर्ग के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना के तहत इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को सरकार 2.5 लाख रुपए देगी। जोड़े में से लड़के या लड़की किसी एक को दलित होना चाहिए। बता दें कि इस योजना का लाभ पहले 5 लाख रुपए से कम की सालाना आय वाले जोड़े को ही मिलता था। चलिए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की ये योजना आखिर है क्या। योजना के तहत एक साल में ऐसे 500 जोड़ों को मदद देने का लक्ष्य रखा गया था और उन्हें पुरस्कृत करने का भी लक्ष्य रखा गया, मगर अब इस आय सीमा को खत्म कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय का यह आदेश है। योजना के लिए आय के आधार पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। वही मंत्रालय ने आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। जोड़े को अब अपना आधार नंबर और उससे जुड़ा बैंक अकाउंट भी देना होगा। वही दलित के साथ अंतर जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे दंपति को एक मुश्त 2.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। एक साल में ऐसे 500 जोड़ों को मदद देने का लक्ष्य है। अब 5 साल से ज्यादा की सालाना आय वाले जोड़े ले पाएंगे योजना का फायदा। केंद्र ने ज्यादा से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए इस शर्त को हटाया है। बता दें कि साल 2013 में डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज योजना शुरू की गई थी। पहले 5 लाख से कम सालाना आय वालों को 2.5 लाख रुपए मिलते थे और इस फायदे को उठाने के लिए शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। बहरहाल 2013 में लाई गई ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया सामाजिक स्तर पर एक साहसिक फैसला था, जिसके तहत इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को 2.5 लाख रुपए की मदद से शुरुआती दिनों में भविष्य का आधार बनाने में कुछ मदद मिल पाए और अब इस साहसिक फैसले को और बेहतर बनाने की कोशिश है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।